मैं अफसर खान कारपोरेटर कांग्रेस दिगंबरा औरंगाबाद। मैं पिछले 25 साल से कारपोरेटर चुनकर आता हूं, शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं और अभी अभी प्रभाग ए में सिर्फ कांग्रेस का मैं अकेला कारपोरेटर हूं, लेकिन 7 लोगों ने मेरा साथ दिया। इनकी सीट वहां पर इनके 6 लोग रह के भी इनकी सीट जीतकर नहीं आई, उनकी सीट गिराने का मैंने काम किया। और रहा सवाल खासदार के इलेक्शन में, मैंने अपनी पार्टी का अपने पक्ष का हर कॉर्नर मीटिंग में हर सभा में एमआईएम के खिलाफ बोला, इम्तियाज जलील के खिलाफ बोला। मैं तो बोलता रहूंगा क्योंकि मैं पार्टी का जिम्मेदार इंसान हूं और मैं पार्टी का ईमानदारी से काम करता हूं और आगे भी इंशाअल्लाह करते रहूंगा, क्योंकि मैं जिस पक्ष में हूं मैं अपने पक्ष का काम करता हूं और पक्ष का ईमानदारी से काम करता हूं। और रहा सवाल, तो ये खुद मेरे ऑफिस पे आकर गए, बैठ के ठंडा पीकर मेरे बाजू के मस्जिद में इन्होंने नमाज पढ़ा और मेरे को बोला, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं अपनी पार्टी का ईमानदारी से काम करता हूं और ईमानदारी से काम करूंगा, मैं अपना ईमान बेचने का काम नहीं करता हूं। रहा सवाल, और ये बोल रहा है कि बेगमपुरे में क्लब चलते हैं, नंबर 2 के धंधे चलते हैं, तो मैं तेरे को आगाज कर रहा हूं कि अफसर खान ना कोई नंबर 2 का धंधा करता है ना कोई क्लब चलाता है। रहा सवाल, तू पुलिस प्रशासन पे अगर प्रेशर डाल के अगर गलत कोई एक्टिविटीज गलत कार्रवाई करने की अगर कोशिश कर रहा हूं, पुलिस प्रशासन पे प्रेशर बना रहा हूंगा, तो कानून से बड़ा तू नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। पुलिस कमिश्नर सक्षम है किस पे कार्रवाई करना है किस पे नहीं करना। अगर तू गलत करेगा, तू खासदार है तो तेरे पे भी कार्रवाई होगी, तेरी भी कंप्लेन करने का मेरे को राइट्स है और मेरी कंप्लेन करने का तेरे को राइट्स है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको ये राइट्स दिया। तू खासदार होगा तो तेरे को सुरखा आपके पर नहीं लग गए कि तू किस पे भी प्रेशर डालेगा। उधर इलियास किरमानी पे प्रेशर डाल रहा, उधर कदीर मुल्ला पे प्रेशर डाल रहा, इधर अफसर खान पे प्रेशर डाल रहा, तेरी बंदर भपकियों में अफसर खान आने वाला नहीं। अफसर खान सक्षम है, अरे तू क्या हमारे पास आएगा, तू बोल हम कहां आएगा। हम लड़ने के लिए भी सक्षम है और इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब तेरी हर सवाल का देंगे। और हमारी कोई एक्टिविटीज नहीं है, तूने आकर देखना था हमारी गलत एक्टिविटीज है उसके बाद ये इल्जाम लगाना था। और तूने अगर ये गलत इल्जाम लगाया और मुझे बदनाम करने की समाज में और मेरे वार्ड में और शहर में और सब समाज में मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा तो तेरे ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। और तेरे से लड़ने की बात कर रहा, तू आने की बात कर रहा, मैं सक्षम हूं बोल कहां आने का, हर जगह आने के लिए मैं तैयार हूं। तेरे को कौम और मिल्लत ने इसलिए चुन कर दिया कि तू कौम और मिल्लत के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेगा। अरे कौम और मिल्लत के नाम पे, विकास के नाम पे तू चुनकर आया, हमको मत बोल। 23 साल से तू पत्रकारिता करता, 23 साल से तेरा ब्लैकमेल करने का धंधा है, ब्लैकमेल तू करता है 23 साल से। और आमदार बनने के बाद में कितने तुम नाम गिनाता हूं मैं, सबसे पहले वक्फ बोर्ड का उठाया मुद्दा, कहा गया वक्फ बोर्ड का मुद्दा, उसके बाद उठाया आजाद कॉलेज का मुद्दा, कहा गया आजाद कॉलेज का मुद्दा, उसके बाद देशी दारुआ बंद करने का, क्यों देशी दारुआ चालू है, उसके बाद में तूने प्रोजोन का मुद्दा उठाया, इन सबके मुद्दे गए का, सबको ब्लैकमेल करने का धंधा तेरा है। तेरी बंदर भक्तियों में अफसर खान आने वाला नहीं, अफसर खान सक्षम है, कहीं भी किसी भी वक्त बोल, कहीं भी मैं आने के लिए तैयार हूं। और पुलिस अपना काम करेंगी, पुलिस पे प्रेशर मत डाल, पुलिस पे तू प्रेशर डाल के गलत एक्टिविटीज करेगा तो राइट्स हमको भी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भी राइट्स दिया। कौम और मिल्लत के नाम पे चुनकर आया, शहर में विकास की बात कर, किसी को बदनाम करने की बात मत कर। अगर मेरी गलत एक्टिविटीज थी, 25 साल से मुझे कोई चुनकर नहीं देता था, शहर का 3 बार कोई विरोधी पक्ष नेता नहीं बनाता था, तू आज राजकारण में आया, पिछले 25 साल से मैं राजकारण करता हूं। और जरा संभल के बोल, पद मिली तो उसका दुरुपयोग मत कर, लोगों पे प्रेशर मत बना। हम डरने वाले नहीं, डरेंगे वो लोग जो कमजोर होते हैं, जो गलत धंधे करते हैं, हम गलत धंधा नहीं करते, हमारा हम हर जगह सक्षम है और इंशाअल्लाह हम पार्टी के लायल है और पार्टी का हमेशा काम करेंगे। अभी आमदार के इलेक्शन है, हम हमारी पार्टी का काम करेंगे, तू तेरी पार्टी का काम कर। अगर मैं तेरे को आके बोलूं कि मेरी पार्टी का काम कर तो तू करता है क्या? अरे मैं तो भाषण में, मैं अपनी पार्टी का भाषण करूंगा ना, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगूंगा ना, तेरे लिए तेरा काम कैसे करूंगा? तेरा काम नहीं किया इसलिए जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर कार्रवाई कराने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी 2 दिन के बाद आ रहा हूं, 21 तारीख से मैं बाहर है, फिर मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके तेरा संगीत सब नंगनाथ सामने लाऊंगा, लोगों के, शहर के और महाराष्ट्र के और देश के सामने। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम पे प्रेशर मत बना।